गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरिडियन कॉमर्स क्लासेस में मैं कुलदीप जांगिड़ आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन। इनकम टैक्स की इंट्रोडक्शन क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे टैक्स क्या होता है। टैक्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कर। यस, टैक्स। टैक्स क्या होता है हिंदी में? इसे बोलते हैं कर होते हैं। टैक्स होता है एक ऐसी राशि जो सरकार पब्लिक से चार्ज करती है। कर क्या होता है? अमाउंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट। अमाउंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कोई भी राशि किसी भी नाम से, गवर्नमेंट कोई भी राशि किसी भी नाम से अगर पब्लिक से लेती है तो वो टैक्स कहलाएगा, वह कर कहलाएगा। टैक्स कितने प्रकार का होता है? दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? टैक्स कितने प्रकार का होता है? टैक्स होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है टैक्स? टैक्स होता है दो प्रकार का। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, यह है डायरेक्ट टैक्स, यह है इनडायरेक्ट टैक्स। कोई भी टैक्स अगर किसी पर्सन पे लगता है, किसी व्यक्ति पे लगता है, किसी मनुष्य पे लगता है, पर्सन पे लगता है, तो वो डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। पर्सन पे जो चार्ज होता है वो डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। और अगर गुड्स और सर्विसेज पे अगर चार्ज होता है, गुड्स और सर्विसेज पे, माल अथवा सेवाओं पे लगता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। डायरेक्ट टैक्स क्या कहलाएगा? जो डायरेक्टली पर्सन पे चार्ज किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या कहलाएगा? जो गुड्स और सर्विसेज पे चार्ज किया जाता है। डायरेक्ट टैक्स में फर्स्ट टैक्स पेयर और लास्ट टैक्स पेयर एक ही व्यक्ति होता है, जो पहली बार गवर्नमेंट को टैक्स देता है और जिस पे उस टैक्स का बर्डन आता है, वो एक ही व्यक्ति होता है, वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या कहलाएगा? जो गुड्स और सर्विसेज पे होता है और जिसमें फर्स्ट टैक्स पेयर और लास्ट टैक्स पेयर अलग अलग होता है, ठीक है ना? फर्स्ट टैक्स पेयर और लास्ट टैक्स पेयर अलग अलग होता है, वो तो इनडायरेक्ट टैक्स। जिसमें एक ही होता है वो डायरेक्ट टैक्स। जो पर्सन पे होता है वो डायरेक्ट टैक्स, जो गुड्स और सर्विसेज पे होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में दो प्रकार के टैक्स कवर होते हैं। एक होता है इनकम टैक्स, आयकर, दूसरा होता है वेल्थ टैक्स, संपदा कर, वेल्थ टैक्स या धन कर, वेल्थ टैक्स। इनकम टैक्स, अभी वेल्थ टैक्स को गवर्नमेंट ने हटा दिया है, तो इसलिए कह सकते हैं डायरेक्ट टैक्स में केवल इनकम टैक्स बचा है। डायरेक्ट टैक्स में केवल कौन सा टैक्स है? इनकम टैक्स, आयकर बचा है, जो आपके सिलेबस में अलग से पूरी बुक दे रखी है इनकम टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स कवर हो रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स में एक्साइज ड्यूटी कवर होता है। एक्साइज ड्यूटी, ये लगता है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे, एक्साइज ड्यूटी कवर होता है। कस्टम ड्यूटी कवर होता है। कस्टम ड्यूटी, ये लगता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। कस्टम ड्यूटी किस पे लगता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, आयात और निर्यात पे। एक्साइज ड्यूटी लगता है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे, कस्टम ड्यूटी लगता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। फिर आता है सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स, किसी भी प्रकार की सेवा देते हैं तो उस पे सर्विस टैक्स चार्ज होता है। देन आफ्टर आता है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स किस पे लगता है? सेल्स टैक्स लगता है कोई भी पर्सन अगर सेल करता है तो उस पे लगता है। सेल्स टैक्स में दो टैक्स कवर होते हैं, एक तो सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल करती है, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट से वास्ता रखती है, संबंध रखती है, रिलेशन रखती है, उस पे सीएसटी चार्ज होता है। एक होता है वेट, वैल्यू एडिड टैक्स, जो इंट्रा स्टेट सेल है, जो विद इन स्टेट सेल है, जो एक ही स्टेट में सेल और परचेज होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट वसूल करती है, वह वेट कहलाएगा, वैल्यू एडिड टैक्स। सीएसटी होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल करती है, जो इंटर स्टेट होता है, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परचेज और सेल होता है, वो सीएसटी। जो वेट है वो एक ही स्टेट में परचेज और सेल होता है,
वैल्यू एडिड टैक्स और सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये अपन ने देखा है, ये हमने देखा है टैक्स का क्राइटेरिया। टैक्स दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट कोई भी अमाउंट चार्ज करती है तो वो टैक्स कहलाएगा। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्टली पर्सन पे होता है वो डायरेक्ट टैक्स, जो गुड्स और सर्विसेज पे होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स। ओके।